हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है लद्दाख बाइक टूर कैसे प्लान करें। लद्दाख बाइक ट्रिप भारत के सबसे साहसिक मार्गों पर एक पूरी तरह से रोमांचक बाइक सवारी का अनुभव है। लद्दाख से आपको पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा जब आप इस रूबा की सवारी करोगे अपने बाइक से। लेह लद्दाख अपनी विशाल सुंदरता और मनमोहक दृश्य से हिमालय पर्वत को सजाता हुआ प्रतीत होता है। आपको बाइक ट्रिप पूरी तरह से आपके अब तक के सबसे साहसिक सपने से जुड़ी है। आप यहाँ देखेंगे ले अराउंड प्लेसेस लाइक जैसे शांति स्तूप, हॉल ऑफ फेम, ले का पैलेस, थिक्से मठ। वहाँ से जाएंगे हम पेंगोंग लेक, वहाँ से टुकटुक, पीओके बॉर्डर, वहाँ से खारदुंगला से वापस आते हुए हम फिर से ले आएंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख ऑन बाइक इज मई टू अक्टूबर। हालांकि इसमें भी तीन कैटेगरीज है, मिड मई टू जुलाई तक बर्फ तेजी से पिघलने की वजह से सड़कें गीली और फिसलन भरी रहती है, लेकिन किनारे बर्फ से ढके रहते हैं, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। जुलाई टू अगस्त आप बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग का एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपको बेहतर रोड्स मिलेंगे क्योंकि मेंटेन करके अच्छे बनाए जाते हैं। ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग्स नहीं मिलेगी आपको, बर्फबारी भी नहीं मिलेगी, मौसम इन जनरल ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, तो सितंबर फोर्स टाइमर्स के लिए बेस्ट सीजन है रोड्स बेहतर होने के कारण। लेह टू लेह टूर आप ले अराउंड प्लेसेस, पेंगोंग लेक, डिस्किट मॉनेस्ट्री, इंडर्स सैंड डूंस, टुकटुक, पीओके बॉर्डर और वाया खारदुंगला वापस आके आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, खारदुंगला पास से शुरू करके आप वया पेंगोंग लेक चांगला पास से वापस आ सकते हैं। लेह को आप रवाया रोडवेज या फिर वाया एयर आ सकते हैं। मनाली और श्रीनगर से बसें चलती हैं यहाँ पे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एयरक्राफ्ट में सबसे आगे या सबसे पीछे वाली सीट बुक करें, वो भी ए साइड से, ताकि आपको विंडो सीट से बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई दे। आप लेह में आने से पहले ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे हिमालयस के व्यू देख के। फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी आप 4 से 6 महीने पहले अपना फ्लाइट बुक किया, आपको अच्छी डील मिल जाएगी। और दिल्ली से लेह तक के लिए काफ़ी कम फ्लाइट्स है तो प्राइसेस जल्दी ही ओवरशूट हो जाती है, तो आप इन एडवांस ज़रूर बुक करें। लेह में बाइक रेंट पे ऑफर करने वाले कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे मैं आपको 2023-24 के रेट्स बता रही हूँ। अगर आप बाइक की जगह कार से घूमना चाहते हैं लद्दाख तो आप कार रेंटल भी ले सकते हैं। ले से रेंटल के रेंटल बाइक के साथ ही या फिर आप जहां से टूर ऑपरेटर आपको बाइक दे रहे हैं उनके साथ राइडिंग जैकेट जिसमें स्टील प्लेट्स लगी होती है अपने प्रोटेक्शन के लिए, नी गार्ड, हेलमेट और हैंड ग्लव्स ज़रूर ले। ट्रिप शुरू करने से पहले लेह में खारदुंगला रोड पर एक पेट्रोल पम्प है जो कि नया खुला है, अपनी पेट्रोल की टैंक फुल कर ले। यहाँ से हम शुरू करेंगे लेह एंड अराउंड प्लेसेस, पूरा दिन आपका यहाँ पे जाएगा और आप तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर आज कवर करोगे। लेह में सबसे पहले हम विजिट करेंगे शांति स्तूप का। शांति स्तूप 1991 में बना हुआ है और ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन रिलीजियस रीजन के लिए नहीं है, यहाँ से बहुत सुंदर पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है, इसके लिए ये हमेशा टूरिस्ट का अट्रैक्शन रहा है। यहाँ पर आप तकरीबन आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। ये सारे फोटो भी खींच सकते हैं इस पैनोरामिक व्यू के साथ। चलते हैं हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम भारतीय सेना द्वारा उन बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया एक म्यूजियम है जिन्होंने भारत और पाक युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार के हथियार के साथ साथ ही युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए विभिन्न हथियार और गोला बारूद भी देख सकते हैं। सेक्शन में आप महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किए हुए सोल्जर्स के स्टोरीज और फोटोज दे सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख के बारे में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है। दिस इज़ अ वेरी टचिंग एक्सपीरियंस। हमारे भारतीय सैनिकों की बलिदान की वजह से हम सुरक्षित हैं, पर कि आक्रमणों से सुरक्षित है, ये भावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है यहाँ पे। यहाँ से हम जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा में जो 1517 में बिल्ड किया गया है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा की भी एक स्टोरी है, खैर वो स्टोरी किसी डिटेल स्टोरी किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पत्थर साहिब गुरुद्वारा किसी भी प्रार्थना स्थलों की तरह शांत, सुंदर और उम्दा है। वहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है। वहाँ जाके हमने दर्शन लिया, प्रसाद लिया, वहाँ का कड़ा प्रसाद बहुत बढ़िया होता है, लंगर में आप खाना भी खा सकते हो। खैर अंदर फ़ोटो खींचना मना है तो मेरे पास ज़्यादा वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं है।
लंच ब्रेक के बाद हम निकल पड़े संगम की और लद्दाख में प्रकृति का वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इज कॉन्फ्लुएंस संगम, सबसे आकर्षक संगम है सिंधु और झंस्कार नदी का ये संगम है। ठंडे रेगिस्तान में एकदम अमेजिंग पहाड़ों के बीच में आपको ये संगम दिखाई देता है। नदियों के दो रंग भी आपको दिखाई दे सकते हैं। लेह से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये, निमू गाँव के पास है। निमू गाँव में ही हमने लंच किया था। ये बहुत सुंदर है और यहाँ पे टूरिस्ट इन नदियों का सुरम्य संगम देख सकते हैं। यहाँ पे आप पानी में थोड़ा खेल सकते हैं, बहुत अच्छे फोटोज खींच सकते हैं। तकरीबन आधा एक घंटा आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। यहाँ से चलते हैं मैग्नेटिक हिल्स की तरफ। मैग्नेटिक हिल्स में ऐसा कहा जाता है कि आप जहाँ पे गाड़ी पार्क, स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, वहाँ से अगर गाड़ी न्यूट्रल में रखो तो वो 20 किलोमीटर की स्पीड से खींची चली जाती है टूवर्ड्स द स्टीप चढ़ाव की तरफ। तो खैर ये थोड़ा सा एक इल्यूजन लगता है मुझे तो, बट अभी तक ये प्रोवन साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। मैग्नेटिक हिल्स पे आप लद्दाख की रॉयल पोशाक भी ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रू टूरिस्ट एक्सपीरियंस। आप वहाँ जाके लद्दाख में जाके लद्दाख के राजा रानी जैसे कपड़े पहन के अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, एक मेमोरी रहेगी आपके साथ। यहाँ से चलते हैं एक्चुअल रॉयल एक्सपीरियंस देखने के लिए लेह पैलेस की तरफ। लेह पैलेस खैर सिटी के सेंटर में है तो आप लेह में वापस आ जाते हो। लेह पैलेस एक 9 मंजिला इमारत है जो 16 सेंचुरीज में सेंगे नामग्याल राजा ने बनाई थी, और मोस्टली इसके नीचे वाले हिस्से जो थे वहाँ पे अस्तर पर मतलब घोड़ों के लिए जगह और स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था, और ऊपरी मंजिला जो है वो रॉयल फैमिली यूज़ की करती थी। मिड 19th century में ये इन्होंने डिसाइड कर दिया बिकॉज दे वॉज एन अटैक्ट एंड दे मूव टू स्टॉक पैलेस। बट ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसका पुनर्निर्माण कर रहा है, इसकी रिपेयरिंग कर रहा है। तो इन जनरल ये गुड एक्सपीरियंस है, एक गुड म्यूज़ियम की तरह आपको एक्सपीरियंस दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यू नो पुराने 450 ईयर्स अगो के पेंटिंग्स या आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इट्स गुड एक्सपीरियंस। यहाँ से आप पूरा लेह सिटी का नज़ारा देख सकते हैं जैसे राजा देखते होंगे उस दौरान। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, फ्रेश एयर और ब्यूटीफुल व्यू, और क्या चाहिए आपको डे एंड करने के लिए। तो आप ज़रूर लेह पैलेस विजिट करें, आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है लेह पैलेस पूरा देखने में, डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन ईच ऑफ द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द म्यूजियम, पैलेस का म्यूजियम कन्वर्टेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया।